घर के अंदर पानी, ये देखे गाइस, ये देखे पूरा डूब चुके हम लोग, बाकी अनाथ नहीं मरे अभी, बच्चे वो लोग का देखना को अरे है। सिलगुड़ी में भी देखे कोना कोना में, ये भाई यहाँ पे तो पूरा का पूरा पानी। ओ कुछ नहीं करेगा, वो तेल का दाम बढ़ेगा, गैस का दाम बढ़ेगा, नाम का है पंचायत, पहले था अभी नहीं है, भगवान का तो अभी नहीं हो, पब्लिक लोग चुतिया है, पूरा का बोले क्यों होती का हिमपैड दुकाना, अरे तू जो हमारे बने से तू हिमपैड दुकान तो भाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 महीना 6 महीने का बच्चा जो है अभी तक भूखा, क्योंकि घर के अंदर पानी घुसने की वजह से घर के अंदर खाना नहीं पक रहा। खाना कहाँ बनेगा, खाना कहाँ। दुनिया में लेने का कमी छैन भनेको हो रहेछ क्या, इत्रो इत्रो काम गरी गए त पानी फ्याक्ने बहुत आफूलाई साम्राज्यको राजा सम्झेछ। मैले काम छुटाएको छुइनँ ब्रो, आफ्नो काम गर्ने फेरि अभी यहाँ पे ना झगड़ा हो रहा है, पता अपन दोनों का, वो काम वो करे, वो काम ये करे, भाई सब मिलके करना चाहिए ना। देखो मैंने कितना अच्छे से रूम साफ किया, उसका किचन का काम है खाना पकाने का, ये बोल रहा है वो पानी भी साफ कर, तो खेलने दो तो खेलने भाई तू शौक देना अपना काम खुद करो भाई, मिल के करो ना, हम दोनों भाई भाई है, ऐसे झगड़ा बाबुल भाई, बाबुल नहीं बाबुल भाई। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलगुड़ी गाइस, कैसे हो आप सब लोग, कांची तिम्रो रैक रैक ढैक ढैक ढैक, सॉरी आज तो इंट्रो नहीं आउट्रो आगे बोल दिया, इंट्रो लास्ट में बोल देंगे, छोड़ो। सिलगुड़ी में पता है गाइस हमारा जिंदगी पूरा का पूरा उल्टा तरीके से चल रहा है, क्या बताए बॉबी, गुड मॉर्निंग। तो प्रेम भाई भी अभी रूम पे है, तो सीन ऐसा है गाइस, ब्लॉग करने का मन नहीं था, बट आज के टाइम पे आपका रॉक लाना नहीं, आज है हम न्यूज रिपोर्टर, जानकारी कुछ इस तरह का है गाइस। रात को हैवी रेनफॉल होने के वजह से सिलगुड़ी तो सबके सब ठीक है, पर माटीगाड़ा जो नाम का जो जगह है वो पूरा का पूरा डूब चुका है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो रात को आए थे हम, आते आते माँ कसम मुझे लगा था ये जिंदगी का आखिरी समय है हमरा और हमारे बाइक का, क्योंकि बाइक जो है पूरा का पूरा डूब चुका था। हम लोग डूब गए, माँ कसम गाइस पूरा का पूरा बह गया है, सिलगुड़ी पूरा का पूरा डूब गया, आईडी जी डूब गए, अरे भाई साहब पूरा का पूरा डूब चुके हैं, इससे भी ज्यादा डीप से हम लोग यहाँ पे पानी था, बहुत ही ज्यादा निकले हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, हम लोग यहाँ से घर जाना चाहते हैं, बट आगे बहुत ही ज्यादा गड्ढा और पानी से भरा हुआ है, अभी आराम से पूरा का पूरा बाइक डूब चुका है। तो वी नीड हेल्प, वी नीड सम हेलीकॉप्टर, क्योंकि यहाँ के लोगों को जैसे भी करके बचना है। हेलीकॉप्टर आ रहा है, वो हेलीकॉप्टर, हे हे यू एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो इधर आइए। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कल जो हैवी रेनफॉल हुआ था इसके वजह से ये पूरा का पूरा डूब गया था, तो अभी पानी थोड़ा सा कम हुआ है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहते हैं कि सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वहाँ नाला बनाना चाहिए, नाला अच्छा से अगर रहेगा तो ये डूबेगा नहीं एरिया, वहीं पर पानी जाके थम जाएगा, रोड थोड़ा उठा के बना देना चाहिए, तब थोड़ा अच्छा भी रहेगा, नहीं डूबेगा। पानी जो है ना बहुत ही ज्यादा गंदा है, क्यों बताऊं तो, क्योंकि ये जो जगह है ना पूरा का पूरा कचरा का जगह था, ठीक है, तो पानी ज्यादा होने की वजह से ना पूरा का पूरा कचरा ऊपर आ गया और कचरा हर जगह फैलने लगा, तो यहाँ पे अभी डेंगू वगैरह होने का क्षमता है, बीमार होने का। प्रकाश के घर में तो पूरा ठेगुन पर पानी है, खड़ा होके खाना बना रही है, खड़ा होके खाना बना रही है, पूरा सामान मंदिर भगवान का मंदिर सब डूब गया, डूब गया। इसमें तू बहुत खराब है पता है, इसनो अरे इसनो देख रहा बंदे कितना खुश हो रहा है, अरे इसनो इतना दिन बाद आया, मैं बहुत दिन बाद आया, एक्चुअली आने के बाद भी इससे ना अच्छे से मिला नहीं हूँ, तो देखे ओ, ओ, इसनो देख इसनो देख देख इसनो आया इसनो देख भाई मैं तेरे से खुश नहीं आया, देख जो देख रहे गाइस इसनो मेरे को क्या कर रहा है गाइस, इसनो इज वेरी बैड गाइस, यो बैठ जा, हाँ शाबाश, ए कीप पॉइंट ला इसनो इसनो। अभी जस्ट हमने बॉबी का घर में खाना खाया, एक्चुअली हम लोग ने अपने घर पे खाना नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पे ना पानी झरी से बहुत ही खराब हो चुका था सीन, और यहाँ पे प्रेम भाई ए हबीबी नीचे उतर,
नीचे उतर प्रेम। तो गाइस मैं अभी रूम के सामने आ चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है। तो अब मैं नहीं जा पाऊंगा बिकॉज मेरा ऑलरेडी भीग चुका हूँ, तो मैं भिगाना नहीं चाहता हूँ। तो बॉबी को ले जाने बोल रहा हूँ कि बाइक का चाबी, हेलमेट, गोप्रो और उसका माइक वगैरह, एक्सेसरीज वगैरह लेके, और ये जूता भी और वो पैंट भी और वो शॉर्ट भी, और बॉबी हो सके तो मेरा चड्डी भी लाके आ देना। जाना 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 आना, तो इसे फेंक देगा। ओए ला कुछ भी बॉबी, पागल है क्या तू? समुंदर पार में तेरे, तेरा जिंदगी बर्बाद है रे बॉबी। कांग्रेचुलेशन बॉबी, जन्नत क्रॉस करके आ रहे, अब जन्नत क्रॉस करके आ रहे। चलो जिंदगी हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं बेचारे बाइक वाले भैया को देखिए। कहा हुआ चाचा, एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस लग रहा है हम लोग आ गए हैं पोखरा में। यहाँ से दूर दूर तक पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है गाइस। और मैं आपको बता दूं गाइस, यहाँ पे ना लाइन, ये तार का, ये खुट्टी वगैरह है, सब इलेक्ट्रिक वगैरह, ठीक है। बाई चांस मिस्टेक से कॉर्ड का गिरा ना, सब का अकाउंट फोड़ जाएगा। तो इसमें से ना मुझे जहाँ तक लगता है पंचायत को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा तो यहाँ पे आंटी लोग को पूछता हूँ, तो कल रात को क्या हाल है और अभी क्या हाल है ये पानी के मौसम में? पानी में। अच्छा तो आप क्या बोलना चाहते हैं, ये जो पानी हुआ है पूरा जम गया, तो इसमें किसका गलती है? इसका क्या बोलेंगे हम लोग, बोल पहले पंचायत जो था उसका ही गलती है। जो पुराना था वो कुछ नहीं किया, नया क्या करेगा? नया तो अभी अभी खड़ा हुआ है, अभी उसका अच्छा। घर बन गया ना पुराना का। हाँ। और कोई टेंशन नहीं है पंचायत का। हाँ, पहले का पंचायत। वो कहाँ पे रहते है? तो बगल में। उसका घर डूबा नहीं है ना? नहीं, उसका तीन तला घर है, वो क्या डूबेगा? डूबेगा तो हम लोग, आम पब्लिक डूबेगा। तो यहाँ पे सुनने को मिल रहा है आंटी लोग बहुत ही चिंतित और बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि उन लोग का गुजारा बहुत ही मुश्किल तरीके से हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। घर के अंदर पानी, ये देखे गाइस, ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। क्या कर रहे हैं जी आप? अपना बना लिए और इन लोग का क्या होगा? भूखे हम लोग डूब रहे हैं पानी, पापी पेट का सवाल है। हाँ, पूरा का पूरा यहाँ पे माटी गाड़ा डूब चुका है, बच्चे से लेकर फैमिली तक बहुत ही ज्यादा चिंतित में है। अच्छा खाट में भी? आप बोल दीजिए जा बोलना, आज पूरा मान खोल के बोल दीजिए आप क्या कर रहे हैं ये सब। पूरा घर डूबा हुआ है माटी गाड़ा। क्या बोलते हैं आंटी जी आप? हंस रहे? अरे आपका तकलीफ बताइए, सुनेगा पूरा दुनिया सुनेगा आज। बोलिए क्या बोले बेटा, देखते जाके घर में, वहाँ देख सकते हैं पूरा गंगा माता पूरा घर के अंदर घुस चुका है। सीरियस में मजाक हो गया कोई नहीं, पर फिर भी यहाँ का पंचायत को ध्यान देना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं सच में मेरे को देख के ना बहुत ही दुख हो रहा है कि माटी गाड़ा के हमारे भाई और बहनों ऐसे तरीके से रह रहे, ठीक। तो यहाँ पे जो भी है बड़े लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका दुख हम समझ रहे हैं। ये दुख दो साल से हम लोग भुगते हैं, कोई देखने भी नहीं आता, जो पंचायत बन के गया, घर बना लिया, कालवेट को बिक्री कर दिया साला नेता लोग। कौन नेता? जो दलाल है ना। हाँ। वो दलाल लोग सब कालवा बिक दिया पेट का चलते, बाकी अनाथ नहीं मरे बच्चे वो लोग को देखना को। अरे आंटी यहाँ तो हर साल ही होता है ना? तो हर साल नहीं होता है, इस साल भी तो इतने पिछले साल से चालू हुआ है। जो भी पंचायत है बस लेकर खड़ा कर देंगे। सही बात है, प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए आंटी जी कोई ना, हम आपका दुख समझ रहे हैं। आई होप सो ये वीडियो दूर दूर तक पहुंचे और आदमी लोग हेल्प करने के लिए आइए ये माटी गाड़ा पे, आई होप सो, क्योंकि मुझे भी दिखाई दे रहा है कि घर पानी तो बाहर है ही है, पर पानी से पूरा पानी जो है ना घर के अंदर भी घुस चुका है। छोटा बच्चा भूखा है, दो महीना का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 महीना 6 महीने का बच्चा जो है अभी तक भूखा है, क्योंकि घर के अंदर पानी घुसने की वजह से घर के अंदर खाना नहीं पक रहा। खाना कहाँ बनेगा? और बड़े 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 जो लोग होते हैं वो तो बिल्डिंग में रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग। कोई टेंशन नहीं है, लोग दुख क्या जाने क्या कैसे दुख होता है। और देखिएगा इस माटीगढ़ ऐसा जगह है ना कि यहाँ पे सब लोग घर सबका सब एक ही लेवल का नहीं है, जैसे कि वो हो गया इतना छोटा सा घर है, तो लाइक वो वहाँ पे ना गैस भी नहीं होता, चूल्हा होता है, चूल्हा भी पूरा का पूरा भीग चुका, और यहाँ पे बचेरा बच्चा देखे यहाँ पे इतना इतना, और कल रात को निकलता ना ये तो पूरा डूब जाता, देखता ही नहीं। आराम से आराम से, एनाकोंडा वगैरह आ चुके पानी के अंदर, आपने नहीं देखा? बड़का मुंह आता है। अरे आंटी जी आप तो फुल ऑन सावेज।
तो यहाँ पे मैंने बाइक निकाल दिया हूँ, कॉल स्टार्ट भी कर दिया हूँ, और मैं आपको बता दूँ गाइस मेरा बाइक का ना एक्सेसरीज वगैरह लाया हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे ये जो है ना ये चेंज किया हूँ, और मैंने कावासी का ब्रांडेड ये क्या बता लीवर मंगाया हूँ, हमारे अमेजोन वाले भैया आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अमेजोन का कुछ कुछ एक्सेसरीज वगैरह है बाइक के लिए, तो यो आ चुका है, ठीक है। इसको फाड़ देते हैं, पहले चाकू लेना, चाकू का कोई जरूरत ही नहीं, हमारा हाथ चाकू से कम है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा बॉय का माइक आ चुका है, जो कि मैं पब्लिक डांस में यूज करूंगा। तो मैं मतलब गाइस मैं चेन लूप लगाने में क्या होता है ना, कभी कभी बाहर होता हूँ ना, तो बाइक को उठाना पड़ता है, तो मेहनत लगता है, तो इसलिए हमने जी रोलर नहीं है बाइक में उसके लिए बस बात बस। और ये गाइस ना मेरे चेन के लिए चेन क्लीनर, ठीक है, क्योंकि चेन क्या हो गया ना पूरा खिया खिया लग चुका था। ओए मैंने वो लाइट मंगाया था और रेनकोट वगैरह, साला एक ही बार में धो लिया ना भाई, सब तो एक ही बार में ऑर्डर किया था मैंने। जिस जगह में मतलब जिस रूम में मैं अपना बाइक रखता हूँ ना, पानी के कारण ना पूरा का पूरा भीग जाता है। तो भीगने के बाद यहाँ पे मैंने सुना हूँ कि अभी सिलगुड़ी में 1000 से ज्यादा स्कूटी मतलब सीज हो चुका है, पता पानी अंदर घुसने की वजह से। इसका भी कल ना पानी घुस गया था बाइक के अंदर, पर इसीलिए मैंने रेनकोट मंगाया हूँ, आने में टाइम लगेगा। और ये है हमारे अंकित का ओट्स आ चुका है यहाँ पे, ये बॉबी के भाई के लिए, ये पेटागिरी ना क्या है वो मंगाया। ऑलराइट गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सेवक मोड़ के वहाँ, और मैं आपको बता दूं ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि गाइस लाइक आज बारिश के कारण ये सब हो गया, तो आपको थोड़ा सा दिखाना था। और यहाँ पे रास्ता देख सकते हैं पूरा का पूरा ऑफ रोडिंग, और यहाँ पे पानी आने की वजह से पूरा रास्ता भी खराब हो गया। मैं अभी सेवक ना अपना जो बाइक जो है ना गिरता रहता ना मेरा, आपका भाई 2-3-4 बार बाइक गिरने के बाद अभी जा रहे क्रैश गार्ड लगाने के लिए, या जो कि क्रैश गार्ड यहाँ पे आता ना इतना लंबा सा इतना मोटू सा, वो क्रैश गार्ड लगाएंगे यहाँ पे। कल रात को भाई साहब पूरा बूंग बूंग पानी हो गया था, मतलब देख के पता ही नहीं चल रहा था कि रास्ता कहाँ पे और गड्ढा कहाँ पे। गाइस हम लोग अभी सेवक रोड के यहाँ पे आ चुके हैं, और मैं आपको थोड़ा सा मेरा मेन चैनल का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक्चुअली ना यहाँ पे सिलगुड़ी में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ना मैं अपना पब्लिक डांस वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, सो थोड़ा दिन वेट कीजिए गाइस। और ऊपर से तो मेरा बाइक का भी काम हो रखा है, अभी वैसे ही मेरा बिजी शेड्यूल हो रखा है, ठीक है। तो मेरा बाइक जैसे ही खत्म होगा, तो आज तो बारिश नहीं था, पर कल परसों के अंदर मैं ट्राई करूँगा मेन वीडियो में मेन चैनल में अपना ये बचा खुचा जो चाक है ना उसको हिलाने के लिए, ठीक है, एकदम दासी दौड़ आने वाला है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर सीधा जा उधर देख के, ये 43 है ना, हाँ 45 होगा तू पहुंच जाएगा। कोई मेरे को पता नहीं है ना वहाँ पे बात क्या होता है क्या नहीं, वो चलना मेरे को क्रैश गाइड जिंदगी में कभी लगा नहीं, वो कभी पहले सामान ले जाके दे देता है, नहीं तो चल चल पहले सामान हम दे देता है, नहीं तो फिर घर में जाके दे के आएगा और क्या। अब तो पहले यहाँ पे एक बार बाइक रख ले, एक बार मेरे साथ जाके आना, सामान पैक कर रहा है, माल पैक कर रहा है। ए बॉबी छा, तो मैं आपको बता दूं गाइस एकदम खराब सीन हो रखा है, ठीक है। बॉबी भी मेरे को छोड़ के चला गया, एक्चुअली उसका पापा का काम है। तो यहाँ से अब मेरे को जाना पूरा का पूरा 3 किलोमीटर जाने के बाद राइट में है जो जगह, और मेरे को अभी यहाँ पे पता है बहुत ही ऑकवर्ड, बहुत ही डरावना, बहुत ही मैं क्या करूँ क्या नहीं, अकेला वो भी सिलगुड़ी के रास्तों पर, मतलब लाइक थोड़ा सा अनजान होना जगह पे, तो आगे पीछे गाड़ी कहाँ कहाँ से भूई भूई आ जाता है, तो उसी बात का डर है कि कोई ठोक ना दे। मैं तो अब अकेला हो गया, बॉबी होता ना तो हमेशा मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है कि जहाँ भी जाऊँ, क्योंकि बॉबी आगे रहता है और मैं पीछे रहता हूँ ना, सो मैं उसको फॉलो करता हूँ। हम फंस गए, अरे दादा 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 दादा, अरे भाई साहब आराम से चाचू, खरीदा हुआ 1 महीना 2 महीना भी नहीं हुआ गाइस, 8-9 बार गिर चुका है और स्क्रेचेस लग चुका है, पता है आपको। अरे भाई दुकान कौन सा है रे, अरे भाई नहीं यहीं पे ओके आई गॉट इट ओके, शायद यही दुकान है ना, हाँ ओके। तो सीन ऐसा है गाइस, कल रात को ना मैं यहीं पे आया था, पर बारिश ज़्यादा होने के कारण मेरा क्रैश गार्ड जो है लगा नहीं पाया, सो आज लगाने का मैं ट्राई करूँगा, आई होप सो लग जाए। कल को दिन में मेरा जो ये लीवर ना क्या बोलता है इसको क्लच क्या बोलता है ये चेंज हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये वो मेरा पेट्रो के सामने ना गिर गया था बाइक नॉर्मली, ठीक है। तो गिरने के बाद ये चेंज किया, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का स्क्रैच आ गया, ये खाली ये दूसरा साइड का है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी दूसरा साइड में। तो इसके बारे में भी हम शायद कल ही हम लेमिनेशन करने के लिए जाने वाले थे दादा की दुकान में, यहाँ पे मैं पहले भी किया था, और यहाँ पे ये जो गिरा हुआ ना इसके ये भी मैंने ऑर्डर किया हूँ। और पता है गाइस इसका ये क्या बोलता है फुट प्रेस ना क्या प्रेस बोलता है इसका, लगभग कितना 2000 मतलब 2-4000 में आ रहा है, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी भी नहीं आ रहा है, आई डोंट नो कैसे गिरा, और जो हो गया सो एल लग गया मेरे तो। और वह भी जो अपना काम जो है ना इसी सामने से है, तो उसको पापा को वो सामान दे के आएंगे, तो आते आते तो वो क्रैश गार्ड बनाने के लिए देंगे। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन देखा था क्रैश गार्ड, ठीक है, ऑनलाइन क्रैश गार्ड देखा था, ऑनलाइन में कितना है प्राइस पता है 16,000 25,000 30,000, तो मैंने आपने आपको बोला कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। सो ओके गाइस अभी हम लोग चल के जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं भैया बता दीजिए। तो गाड़ी का क्रैश गार्ड लगाने के लिए वेल्डिंग किया है। अच्छा
क्लैंप बनाया है। अच्छा तो लेने जा रहे हैं। ओके गाइस, हम लोग कुछ इस तरीके का जगह पे आ चुके हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ और बहुत ही ज्यादा भूख भी लग रहा है। सो ये सब चीज काम खत्म होने के बाद आप लोग के साथ बैठ के खाना भी खाएंगे। ये देख रहे हो पूरा का पूरा कलर लेस है, पूरा का पूरा लोहा का, तो भैया इसके ऊपर पूरा स्प्रे मार दे रहे ब्लैक कलर का। सबसे बेस्ट यही है या और भी कुछ है? सबसे हैवी वाला, सबसे हैवी ना जी। हाँ जी भैया, सब मिल जाते हैं। आप तो गुटखा खा रहे हैं? जी हाँ, खाते हैं। तो ओके गाइस, फाइनल वर्क यहाँ पे चालू है, ठीक है। अपने बेबी को मैंने इतना बुरी तरीके से छेड़छाड़ किया है ना कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक नहीं दो नहीं चार पांच तो डॉक्टर यहाँ पे आ चुके हैं अपने पेशेंट को। और हमारा बेबी जो है पूरा का पूरा नंगी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका नंगी नंगा नंगा सेक्सी बदन देख सकते हैं, पूरा पूरा खोल खाल करके यहाँ पे चालू हो रखा है। और जो लोहा था वो इसको अंदर डाल दिया है हमारे डॉक्टर साहब ने। और ये फ्लेम स्लाइडर जो है अभी इसके ऊपर लगेगा, जो कि यहाँ पे ये है ना, ये यहाँ पे चिपकेगा और ऊपर से ये फ्लेम स्लाइडर लगेगा। ओके गाइस, काफी लंबा समय के बाद मेरा फाइनली बाइक कंप्लीट हो चुका है। और एज यू कैन सी पूरा का पूरा मेरा जो क्रैश गार्ड है पूरा का पूरा फिटिंग हो चुका है। कसम खा आज के बाद तू मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगा। कसम खाता हूं आज के बाद हमेशा इसको और छोड़ के जाएगा। कुछ भी कमान कमान बॉबी कमान, तू निकल पाएगा? अरे भाई या सो गाइस, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ वन एंड ओनली हमारे छपरी अंकित गुरु जी। अरे कोई नहीं सर जी, हम आपको लेने के लिए दो दो गाड़ी लेके आया, पता है दो लेम्बरगिनी पीछे से आ रहा है और दो दो थार भी पीछे से आ रहा है। बॉडीगार्ड तो ऑब्वियसली हम दोनों है ना आपके लिए। ओह क्या साउंड मारा रे। तो भाई अंकित, सफर कैसा था? सफर तो बहुत गंदा था भाई। क्यों? पहाड़ टूट रहा है। पहाड़ टूट रहा था? अच्छा लैंडस्लाइड हो रहा था? अरे बहुत खराब बात है। पर कोई नहीं, हमारे अंकित गुरु जी आ चुके। मैं आपको बता दूं, एक ब्लॉग में अंकित नहीं था, करीब ये 7 दिन पहले ना घर चला गया था अपने काम से। तो अभी अपना काम निपट के एकदम आ चुके लोंडे फिर बैक टू बैक। तो देखते हैं आज अंकित आया है 10 दिन बाद, तो इसको सोच रहा हूँ कि चिकन खिला दो। एक्चुअली चिकन तो हम लोग कल ही खा लिए थे, पर हड्डी बचा हुआ क्या करेगा। सो गाइस, अभी हम लोग वेयर अप शोरूम के यहाँ पे आए हुए हैं। मुझे पता नहीं था कि भैया मिलने का फिर से आपको मौका मिलेगा। सो फाइनली मिल चुके हैं। किस बात पर बोले तो गाइस, मैंने आपको जो लेमिनेशन का बात किया था, भैया बोल रहे हैं कि बहुत खतरनाक वाला स्क्रैच लगा है। जो भैया के यहाँ इससे आगे लेमिनेशन किया था ना, वही सब का सब यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रैचेस लगने के बाद अभी खुलाई दे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अभी प्लास्टिक उतर जा रहा है, तो कल इसमें फिर नया डाल दिए जाएंगे। गलती तो मेरा ही है कि मेरे बेबी को मैंने अच्छी तरीके से चलाया ध्यान से, तो यहाँ पे ये जो लेमिनेशन किया था वो तो खुला दिया, ठीक है। बट यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा चकनाचूर हो गया, पूरा लग गया अंदर से, पूरा डीप गया ये देख सकते हो। इमोशनल डैमेज। मजा आया। तो हे गाइस, अभी मैं रूम में आ चुका हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो रखा हूँ आज ना, झूठ नहीं बोलता हूँ, बहुत ज्यादा दौड़ा बहुत ज्यादा। अभी जाके हम लोग खाना खा के एकदम चित्ता ना सूत उत्ता ना सूत हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थका हूँ। और हाँ गाइस, आज के टाइम पे बारिश के कारण पूरा का पूरा हर जगह जैसे कि आसाम लाइक बिहार वगैरह पूरा का पूरा डूबा हो चुका है। सो उन लोग के लिए प्रे कीजिए कि लाइक उन लोग एकदम सेफ रहे और जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। और जहाँ पे भी आप लोग ऐसे जगह पे रहते हो या तो डूबा हो रहा है, एक दूसरे का हेल्प करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर देना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको अपडेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ। और हाँ, मेन चैनल के लिए डांस वीडियो बनाने आई होप सो कल या तो परसों जा सकता हूँ, इफ़ बारिश रुक गया तो। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज रॉक लामा साइनिंग ऑफ कांची तिम्रो रैक रैक डैक डैक डैक।